गुना में आज 29 जुलाई को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला गुना के द्वारा प्रांतीय आंदोलन के तीसरे चरण में भी जिले के समस्त संगठनों के अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर गुना में हड़ताल पर हैं। जिला प्रवक्ता सुनील रघुवंशी ने बताया कि जिले के समस्त विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, श्रम विभाग के साथ ही पंजीयन विभाग, सफाई कर्मचारी, भू अभिलेख, आबकारी विभाग, वाहन चालक संघ के साथ समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी अवकाश को लेकर हड़ताल पर हैं। साथ ही जिले में समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक अवकाश लिए जाने से सभी विभागों के ताले बंद हैं। कर्मचारियों के द्वारा आज सभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं को यह आह्वान किया गया कि जब तक शासन कर्मचारियों की मांग पूरा नहीं करेगी, हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। गुना जिले के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। इस तरह से सभी विभागों में अगर काम नहीं होगा तो आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन को इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आज ये आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 20 तारीख से प्रथम चरण, 24 तारीख को द्वितीय चरण और आज हमारा 29 तारीख को तीसरा चरण है। इन तीन चरणों में हमने सरकार से विनम्र आग्रह किया है कि हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए और अब इस स्थिति में ये मोर्चा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश भर में कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। आज उसी बात को लेकर हमारे सारे साथियों ने सारे विभागों में अवकाश आवेदन देकर और हम यहाँ पर अपने अभी तक के किए गए कार्य और आगे की रणनीति तय करने के लिए सब एकजुट हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं आप लोग, कहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज कलेक्ट्रेट परिसर में, कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हम सारे अधिकारी कर्मचारी सारे विभिन्न विभागों से आकर यहाँ पर हमारी बैठक कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने बाध्य होगा।